नमस्कार दोस्तों, जॉश कॉफमैन एक टेक्निकल स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें प्रॉक्टर एंड गैम्बल में असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर की नौकरी मिली और उन्होंने खुशी खुशी से ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया। और वहां उन्होंने ये देखा कि उनके जितने भी सारे कलीग्स थे वो सारे टॉप यूनिवर्सिटी से MBA किए हुए थे। अपने कलीग्स को देखकर उन्हें ये लगा कि उन्हें भी अपने बिजनेस स्किल्स को डेवलप करने के लिए MBA करनी चाहिए। फिर उन्होंने ये रियलाइज किया कि एक टॉप यूनिवर्सिटी में MBA करने का कोर्स फीस बहुत ही ज्यादा होता है। फिर थोड़ा रिसर्च करने के बाद उन्हें एक ब्रिलियंट बिजनेसमैन चार्ली मंगर के बारे में पता चला, जो वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर थे। उन दोनों ने कई सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस लॉन्च किए। चार्ली मंगर की कोई फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन नहीं थी, उन्होंने कई सारे बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़कर अपने बिजनेस स्किल्स को डेवलप किया। फिर उन्हीं से इंस्पायर होकर जॉश ने कई सारे बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी। और कई सारे बुक्स पढ़ने के बाद उन्होंने एक रीअकरिंग पैटर्न को नोटिस किया, यानी एक ही कॉन्सेप्ट हर एक बिजनेस में बार बार रिपीट हो रहा है, जिसे जॉश 5-part बिजनेस फ्रेमवर्क कहते हैं, जिनमें से सबसे पहला वैल्यू क्रिएशन, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा सेल्स, चौथा वैल्यू डिलीवरी, फिर पांचवा फाइनेंस। जॉश कहते हैं कि जिस बिजनेस में वैल्यू क्रिएट नहीं होती वो एक हॉबी है, जिस बिजनेस में प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होगी वो फ्लॉप होगा, जिस बिजनेस में सेल नहीं होगा वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा, जिस बिजनेस में कस्टमर को प्रॉमिस की हुई चीज नहीं मिलेगी वो एक स्कैम होगा, फाइनली जिस बिजनेस में पैसे नहीं बनेंगे वो बंद होगा। स्टार्ट करते हैं वैल्यू क्रिएशन से। जो भी चीज आपके कस्टमर्स के लाइफ को थोड़ा भी बेहतर बना देता है, बेटर बना देता है, उसे वैल्यू कहते हैं। सबसे पहले हमें खुद से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या हमारा प्रोडक्ट या सर्विस सच में वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। वर्ल्ड के जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं सब इसी पे फोकस करते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने उबर का तो नाम सुना ही होगा, जो कैब रेंटल सर्विस प्रोवाइड करता है। उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जो ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को बहुत ही क्विकली और इजीली कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से पैसेंजर्स घर बैठे ही कैब बुक कर सकते हैं और कैब ड्राइवर्स का वेटिंग टाइम काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। यानी अब उन्हें पैसेंजर्स के लिए कई घंटे टैक्सी स्टैंड्स पे वेट करने की जरूरत नहीं है, वो उस वेटिंग टाइम के बदले और पैसे कमा सकते हैं नए राइड को एक्सेप्ट करके। तो दोस्तों, इस तरह से लोगों के काम को आसान करके आज उबर वर्ल्ड का लीडिंग कैब रेंटल सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। तो हमने इस एग्जाम्पल से ये सीखा कि आप जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। नंबर टू, मार्केटिंग। मार्केटिंग उन कस्टमर्स को ढूंढने का साइंस है जो आपके प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। मार्केटिंग का मतलब है लोगों का ध्यान आपके प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करना। आपकी मार्केटिंग काफी यूनिक और अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि लोग उसे नोटिस करने पर मजबूर हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी पे ध्यान मत दो, आपको क्वालिटी और यूनिकनेस दोनों पे फोकस करनी है। जिसके बारे में जॉश कहते हैं कि वे हमेशा अपने विब्रम 5-finger शूज पहनकर जॉगिंग पे जाते थे। वो जूते इतने यूनिक थे कि वो किसी के भी ध्यान अपने ओर खींच लेते थे। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो फैशनेबल थे, वो इसलिए क्योंकि वो काफी स्ट्रेंज और यूनिक थे। जॉश कहते हैं कि लोग उन्हें रस्ते पर रोककर पूछ ही लेते थे कि उन्होंने वो जूते कहां से खरीदे। अब आप सोचिए कि ऐसे प्रोडक्ट के लिए विब्रम को एडवर्टाइज करने की जरूरत ही क्या है। उनका ये यूनिक प्रोडक्ट माउथ पब्लिसिटी से अपने आप बिक जाता था। आपको भी एग्जैक्टली यही अपने कस्टमर्स के साथ करना है ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदे बिना रह ना सके। नंबर थ्री, सेल्स। सेल्स बिजनेस प्रोसेस का वो हिस्सा है जहां आपके पास पैसा आता है। लोग हमसे तब तक कुछ नहीं खरीदते जब तक उन्हें हम पर ट्रस्ट या बिलीव नहीं होगा। यहां आपको ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन का डिफरेंस को समझना होगा। हाँ दोस्तों, इन दोनों में काफी फर्क होता है। सेटिस्फेक्शन यानी वो रेटिंग जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के बाद देता है। आपका ही एक फुल्ली सेटिस्फाइड कस्टमर किसी भी दिन किसी के पास भी जा सकता है, अगर उसे दूसरों से बेटर ऑफर या बेटर डिस्काउंट मिल जाए तो। पर देखिए, टाटा ग्रुप के कस्टमर्स उनके साथ काफी लॉयल होते हैं। टाटा ग्रुप के होते हुए वे दूसरों के पास नहीं जाएंगे। खास करके इंडिया में टाटा इज नॉट जस्ट अ ब्रांड, इट्स एन इमोशन। दोस्तों, इसी ट्रस्ट को हमें अपने कस्टमर्स के मन में बिल्ड करनी है। कस्टमर ट्रस्ट का एक और एडवांटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पतंजलि ने मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। एक नए कंपनी ने भी उसी टाइम अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया।
तब इसके हाई चांसेस होते हैं कि मोर देन 90% पीपल पतंजलि का ही प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे। इसका कारण है ट्रस्ट। अगर आप चाहते हैं कि लोग अपनी मेहनत की कमाई खुशी से दें, तो पहले आपको उनका ट्रस्ट जीतना होगा। नंबर 4, वैल्यू डिलीवरी। कस्टमर ने जितने पैसे दिए हैं उसके बराबर या उससे ज्यादा वैल्यू देने को वैल्यू डिलीवरी कहते हैं। दुनिया के टॉप प्रॉफिटेबल बिजनेसेस जितने भी हैं, सब अपने कस्टमर्स को द बेस्ट देने के लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस में ऐसा ही सर्विस देते हैं, तो कस्टमर्स आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और ऐसा कस्टमर हमेशा आपका एक अनपेड प्रमोटर बन जाता है। वो और 10 लोगों को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में रिकमेंड भी करता है। नंबर 5, फाइनेंस। अब हम बात करते हैं कि आप अपने बिजनेस में फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हो। पहला, स्टार्टअप कॉस्ट। आपको अपने ड्रीम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही इसका एक रफ एस्टिमेट बना लेना चाहिए। और स्टार्टअप कॉस्ट मेनली 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि लाइसेंस, बिजनेस परमिट्स, रजिस्ट्रेशन फी, वेबसाइट डिजाइनिंग एक्सेट्रा। नंबर 2, ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, जैसे कि ऑफिस रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, बिल्स, आपके एम्प्लॉयज का सैलरी एक्सेट्रा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि इक्विपमेंट, फर्नीचर और स्टोरेज लोकेशन के चार्जेस एक्सेट्रा। ये सब इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स के अंडर में आते हैं। अगर आप इन तीनों कॉस्ट्स को ऐड करोगे, तो आपको अपने ड्रीम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए ये नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कैश फ्लो मैनेजमेंट। सबसे पहले अपने बिजनेस का कैश फ्लो को स्टडी करें। कैश फ्लो यानी आपके इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो, जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तब भी बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कहा जा सकता है। पॉजिटिव कैश फ्लो यानी आपका इनकम का एक्सपेंसेस से ज्यादा होना। हमें इसी चीज को टारगेट करके चलना चाहिए। अगर इसका ऑपोजिट हुआ यानी कैश फ्लो नेगेटिव हुआ, तो उस बिजनेस को चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है। पर बिजनेस के शुरुआती दिनों में ये चलता है, कुछ महीनों तक इट्स ओके। और इस बात से आपको घबराना नहीं है नए बिजनेस में, क्योंकि नए बिजनेस में क्या होता है ना कि आपने इन्वेस्ट कर ली, पर मार्केटिंग के कमी के कारण कस्टमर से आपकी इनकम जनरेट नहीं हो पाती है, क्योंकि आपका बिजनेस स्टार्टिंग फेज में है। इसलिए नंबर 3, मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो को पॉजिटिव मेंटेन करने के लिए आपको हर महीने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि उस महीने में आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ऑथर कहते हैं कि बिजनेस सिनेरियोस बहुत होते हैं, लेकिन हर बिजनेस का फ्रेमवर्क यही होता है। और आप अगर इस फ्रेमवर्क को सही से समझ जाओगे, तो आप किसी भी बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।